साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र जो कामान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विस्तृत जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज देखते हैं एक नई विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे आप लोगों को मन में हमेशा बात आती है, जैसे ही मौसम खराब होते हैं, जैसे ही आकाश में बादल घिर जाते हैं, तो आप लोग यह प्रश्न कर बैठते हैं कि क्या आज पानी बरसेगा या नहीं, क्या पानी आज होगी या नहीं, बारिश आएगी अथवा नहीं, ये सब बातें आप लोगों को मन में चलने लगता है। इसी विषय पर मैंने यह विषय लेकर के और एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ध्यान से देखें और समझें। प्रश्नकर्ता के नाम के अंकों में उस दिन के अंक चक्र एक से लेकर जोड़ दो। अंक चक्र एक आपके आगे इसी वीडियो में दिया जाएगा, उसी के अनुसार आप लोग को जोड़ना है। बाकी अगर एक बचे तो उस दिन पानी नहीं बरसेगा, दो बचे तो ठंडी हवा चलेगी, तीन बचे तो वर्षा होगी, चार बचे तो आंधी आए और कुछ बादल भी दिखेंगे। अगर चंद्रमा उस रोज कर्क का हो तो थोड़ी वर्षा होगी तथा बादल घिरे रहेंगे। इस प्रकार हमें समझना है मुख्य रूप से प्रश्नकर्ता के नाम के अंक और उस दिन के अंक चक्र जो नीचे यहां देखिए दिया हुआ है, इस अंक चक्र से वो अंक उठाना है। जैसे इस चक्र में देखिए वार और अंक दिए हुए हैं। रविवार का दिन जो है उस दिन 608 अंक जोड़ना है, सोमवार को 303, मंगलवार को 140, बुधवार को 11, गुरुवार को 269, शुक्रवार को 280 और शनिवार को 323 अंक जोड़ना होगा। तो हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से चलते हैं। जैसे देखिए 24/3/2023 दिया हुआ है, तो 24/3/2023 के दिन हम लोग देखते हैं कैसे इसके तरीके हैं। 24 यानी चैत्र शुक्ल पक्ष के माह जो है 22 मार्च से 6 अप्रैल तक ये पक्ष रहेगा, तो इसी में हम 24 दिन मेरा हुआ मार्च महीना है। यहां देखिए तिथि है तृतीया, दिन शुक्रवार, अश्विनी नक्षत्र है, वैघ्रीति योग है। तो इस दिन के हम समय चार्ट सारणी से और इस पंचांग के माध्यम से उसके फल को निकालना सीखेंगे और उसके तरीके को सीखेंगे। जैसे यहां देखें दिया हुआ है प्रश्नकर्ता का नाम इस तारीख को यानी 24/3/2023 को तृतीया तिथि दिन शुक्रवार के दिन कोई जातक हमारे पास प्रश्न करने आता है, तो प्रश्नकर्ता का नाम जैसे मान ले कमल है तो उसका नाम संख्या जो हुआ 3 हुआ। चक्र से वार संख्या निकालेंगे तो यहां पर देख रहे हैं शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन इसमें से अंक उठाएंगे। शुक्रवार को 280 है, तो 280+3 यानी 283 अंक प्राप्त हुआ। अब 283 में 4 का नियम कहता है भाग देने के लिए। देखिए यहां पर भाग देने के लिए यहां बताया गया है कि 4 का भाग दें, तो हम 4 का भाग देंगे तो यहां पर आएगा हमको भागफल। देखिए और लब्धि 4 का भाग दिए तो 17 का 28 यहां पर 7 हो गया और यहां पर 3 शेष बचा, अर्थात शेष 3 बचे तो वर्षा होगी कि नहीं, यहां पर इस चार्ट में देखेंगे 3 बचे तो वर्षा होगी। अर्थात इस दिन इस दिनांक को 4/3/2023 को वर्षा होगी। इस माध्यम से इस सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे और समझ लेंगे। यह रोचक विषय आप लोगों को मैं नई नई बातें इसलिए लाता हूं कि आप लोग अच्छे एक जानकार बने और समझें, दूसरे को समझाएं तथा आप ऐसे वीडियो देखें जिससे कि आप नई नई बातों की जानकारी प्राप्त करें। इसीलिए मैंने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वीडियो में नहीं डालता हूं, यह प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो ही क्यों न बनाऊं, लेकिन आपके लिए बहुत ही सरल हो, समझने में आपको कठिनाई ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो सरल रूप से लिख करके कॉपी पर बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।